नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। केजरीवाल की किरण बेदी को बहस की चुनौती। भाजपा द्वारा किरण बेदी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने के बाद दिल्ली में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। किरण बेदी के नाम का ऐलान होने के बाद आप नेता अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बधाई देते हुए बहस की चुनौती दी है। कृष्णानगर सीट से भाजपा प्रत्याशी किरण बेदी ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि केजरीवाल केवल बहस में यकीन करते हैं और मैं काम में। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा में आप नेता से बहस करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि किरण जी, आपने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया मुझे अनब्लॉक करें, मैं आपको फॉलो करता हूँ। किरण ने केजरीवाल के ट्विटर पर ब्लॉक करने संबंधी आरोपों पर कहा कि मैंने लगभग 15 महीने पहले ही केजरीवाल को ब्लॉक कर दिया था। कांग्रेस का कटाक्ष, कहीं ओबामा भाजपा में शामिल न हो जाए। कांग्रेस ने किरण बेदी, शाजिया इल्मी से लेकर कृष्णा तीरथ के भाजपा में शामिल होने पर उसकी खुले दरवाजे की नीति पर चुटकी लेते हुए कहा कि अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी में भय है कि कहीं बराक ओबामा को भी अमित शाह अपनी पार्टी में न शामिल कर लें। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने ट्वीट किया कि अमित शाह की ओपन डोर की नीति के तहत बेदी, इल्मी, बिन्नी, तीरथ आदि भाजपा में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान लखवी को भारत के हवाले करे, अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा। पाकिस्तान सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा कि वह मुंबई हमलों के सरगना जकी उर रहमान लखवी को भारत को सौंप दे। इन देशों का कहना है कि इससे भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध बेहतर हो सकेंगे। भारत सरकार से कहा गया है कि अगर वह लखवी को भारत को नहीं सौंपना चाहता है तो इस कुख्यात आतंकी को इन दोनों देशों में से किसी एक को भी सौंप सकता है।